वो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, कुछ ऐसा ही आईपीएल में भी देखने को मिलता है। आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग है जिसमें फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है, और इस दौरान कई बार ऐसे कई रिकॉर्ड्स टूटे और बने भी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका है और ना ही कोई इन रिकॉर्ड्स के आसपास भी पहुंच पाया है। क्रिस गेल की 66 गेंदों पर 175 रन की पारी भला कौन भूल सकता है। गेल ने साल 2013 में आरसीबी के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ ये कमाल कर दिया था। इस पारी में उन्होंने 17 छक्के और 13 चौके लगाए थे। आईपीएल में अब तक सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के ही नाम है। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए अल्जारी जोसेफ ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धमाल मचाया था और 3.4 ओवर में 12 रन देकर 6 विकेट झटके थे। अल्जारी जोसेफ के नाम अपने स्पेल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। 2016 आईपीएल का साल कोहली के लिए सबसे शानदार रहा था। 16 मैचों में उन्होंने 975 रन बनाए, जो एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज की तरफ से बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। अपने दम पर कोहली ने टीम को फाइनल तक पहुंचाया था, हालांकि आरसीबी की टीम खिताब जीतने में नाकामयाब रही। इस साल कोहली ने 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाए थे। उनका औसत रहा 81 और स्ट्राइक रेट भी 152 था। अब तक के आईपीएल में सबसे कम स्कोर आरसीबी की टीम ने 2017 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाया था। इस मैच में आरसीबी की टीम सिर्फ 49 रनों पर ढेर हो गई थी। ये आईपीएल इतिहास का अभी तक का सबसे छोटा स्कोर है। ये कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं कि सीएसके आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा दबदबा बनाने वाली टीम रही है। उन्होंने 15 में से 13 सीजन खेले हैं और उन 13 सीजन में से सीएसके ने 11 बार प्लेऑफ में जगह बनाई है, और ऐसा करने वाली वो इकलौती टीम है। 11 प्लेऑफ में से उन्होंने 9 मौकों पर फाइनल में जगह बनाई है, जो कि किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा है।